कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया। भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया तो मोदी का क्या करेंगे, क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? अभी मत भूलिए, कांग्रेस आई तबाही लाई। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश पहुंचे और सतना में एक बड़ी रैली की। पीएम ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के साथ केंद्र सरकार के कामकाज भी गिनाए। कांग्रेस के अलावा दो दशक की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव वाला दांव अभी से चल दिया है। पीएम अब अपने चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। पीएम ने कहा है कि एमपी में बीजेपी को मिलने वाला हर वोट उन्हें दिल्ली में मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा, जनता के आशीर्वाद से भारत का डंका विश्व में बज रहा है और दुश्मनों के हौसले पस्त हैं। पीएम ने कहा, एक वोट से आप तीन कमाल करेंगे। उन्होंने कहा, एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा हुआ है। आपका एक वोट यहां फिर से बीजेपी की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा। आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कोस दूर रखेगा। त्रिविध शक्ति का सामर्थ्य आपके वोट में है। आपका एक वोट यहां फिर से भाजपा की सरकार बनाने जा रहा है। आपका वही वोट दिल्ली में मोदी को मजबूत करेगा और आपका वही वोट भ्रष्टाचारी कांग्रेस को एमपी की सरकार से 100 कुछ दूर ले जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, एमपी में कांग्रेस ने आपके सामने दो ऐसे नेता खड़े किए हैं जो कई दशकों से मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं। आजकल वो दोनों एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। यही नेता एमपी को दशकों तक अभाव में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। ये आपके बेहतर भविष्य का भरोसा नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को बीजेपी को हराने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। अपने बेटों को सेट करने के लिए वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को चलाते हैं, अब आज क्या काम कर रहे हैं? दोनों कपड़ा फाड़ नेता बन गए हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और दूसरे को अपने समर्थकों को कहते तू उसके कपड़े फाड़, वो अपने चेलों को कहता तुम उसके कपड़े फाड़। यही नेता एमपी को दशों तक अभाव में रखने वाले एमपी को वंचित रखने के लिए जिम्मेदार है। यह आपके बेहतर भविष्य का भरोसा कभी नहीं दे सकते। इनका तो अभी बस एक ही एजेंडा है, 3 दिसंबर को भाजपा से हारने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस पर किसका बेटा कब्जा करेगा। उनकी लड़ाई ये है, अपने बेटों को सेट करने में वो पूरे मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि उसके नेता शोर मचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। पीएम ने आगे ये भी कहा कि एमपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पीएम ने कहा, मतदान में अभी इतने दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के झूठ के गुब्बारे की हवा निकल गई है। जब गुब्बारे की हवा तेजी से निकलती है तो वो कैसे लड़खड़ाता है और शोर मचाते हुए इधर उधर जाता है। इसी तरह हारते हुए कांग्रेस के नेता इधर उधर भागते हुए शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं है। कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहाँ के युवाओं को कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए एमपी को बीजेपी पर भरोसा है और मोदी की गारंटी पर भरोसा है। ये भरोसा है इसलिए है कि हर देशवासी जानता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी की पूरी होने की गारंटी।